हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। इसके लिए चाहिए पहले बॉईल किए हुए राइस, उसके बाद आपको चाहिए प्याज स्लाइस किए हुए, शिमला मिर्च, को चाहिए बोनलेस चिकन जो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखे हैं, इसको आप आधा घंटा तक रख सकते हैं। चिकन को आप अदरक लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च और डार्क सोया सॉस और नमक से मैंने मैरिनेट करके रखा है। और आपको चाहिए 4 अंडे। आपका अगर फ्राइड राइस कम होगा तो आप इसके लिए 2 भी यूज कर सकते हैं, 2 अंडे भी यूज कर सकते हैं। मेरा ज्यादा है भूल के, मैंने ज्यादा फ्राइड राइस बना रही हूँ इसीलिए मैंने 4 लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज चाहिए जो है बटर, जिसमें आपको थोड़ा सा बटर देके थोड़ा सा चिकन चाहिए आपको, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने बोलना भूल गई थी। एक को पहले थोड़ा सा नमक इसमें दे देते हैं स्वाद अनुसार। आपको तो बटर से उसको फ्राई करने से टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैंने
जब तक इसका पानी सूख ना जाए तब इसको फ्राई करना पड़ेगा। देख रहे हैं अभी थोड़ा सा इसका फ्राई थोड़ा सा हो गया है और थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब इसमें आप चाहे तो चिकन के निकाल के प्लेट में रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके फ्राई करके लहसुन मैंने काट के अच्छे से इसे ऑयल निकल रहा है। थोड़ा हल्का सा लहसुन को फ्राई करने के बाद आप इसमें जिंजर दे दीजिएगा। गार्लिक और जिंजर देने से चाइनीज फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मैं अभी थोड़ी प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखे थे देखिएगा ये इसका कलर कितना अच्छा है। अब इसमें मैं दूंगी गाजर जो मैंने स्लाइस करके रखा था, कैप्सिकम चिकन को ऐसी तो मैंने में नमक को नहीं करके रखा है हल्का सा। और मैं इसमें बंदा गोभी जो मैंने दे दूंगी।
देखी सकते हैं इसके साथ चिकन भी मेरा बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके राइस दे दूंगी। गैस तो गैस का फ्लेम पहले मैंने स्लो कर दिया है। आप उसे थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, एक बार में दीजिएगा तो ठीक से नहीं होगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर थोड़ा सा काफी अच्छे तरह से मिक्स कर लूँ, मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने ज्यादा कर दिया, फिर से मैं थोड़ा सा और नमक दे रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने राइस दिया है, थोड़ा सा नमक तो और लगेगा ही। अब मैं इसमें एक दिन के बाद मतलब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देख लेगा रोस्टन की तरह आपको फ्राइड राइस दिख रहा है। और एक ब्लैक पेपर थोड़ा चिकन फ्राइड राइस बस पक कर दिया रेडी। इसको मैंने सर्व कर दिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में इसको। गाइस मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको घर में जरूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं दूसरी बार फिर से रेसिपी बना सकूं। और पूरा वीडियो का आप देखिएगा इसकी बना करके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।